सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, यदि हमारे पास आइडिया या फिर वोडा के सिम ओल्ड सिम है, यानी कि आप लोगों को पता होगा आइडिया और वोडा ने एक सिम लॉन्च कर दिया है VI, तो यदि आपके पास पुराना सिम है आइडिया फिर या वोडा को, तो उस सिम को आप कैसे पोर्ट करेंगे, यानी कैसे बदलेंगे VI सिम में। तो आज के वीडियो में यही हम जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल सलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, आइडिया और वोडा दोनों मिलकर VI सिम लॉन्च करने वाला है, जो आने वाले टाइम में आइडिया और वोडा को जो सिम है, जो नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है, जैसे मोबाइल आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आइडिया और वोडा देखने को मिलता है, वो आप देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग सही सोच रहे होंगे, यदि चेंज हो जाएंगे तो जो हमारे पास ओल्ड सिम है, क्या इसे हमें पोर्ट करना होगा या फिर इस सिम को एक्सचेंज करके हमें VI कंपनी का सिम परचेज करना होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जो सिम यूज कर रहे हैं वही सिम आप लोगों को यूज करना है। जैसे ही VI सिम लॉन्च किया जाएगा तो आप लोगों को नेटवर्क, जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो नेटवर्क वोडाफोन या फिर आइडिया देखने को मिल जा रहे हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, VI देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा समझ लो, आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बस आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम या फिर इंटरनेट की असुविधा मिल रहे, वो प्रॉब्लम फिक्स कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे एक कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।